अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रॉपर्टी टूर बाय इस्लाम स्टेट के चैनल से मैं हूँ गुलाम उस्पा और आज आपको 11B का स्ट्रीट टूर करवा रहे हैं और इसमें हम डिस्कस करेंगे, इसका कंपैरिजन करेंगे। यहाँ बिल्ड प्रॉपर्टी भी बहरे टाउन की तरफ से दी गई है, उनका उसका भी आपको विज़िट करवाएंगे और साथ में जो बहरिया टाउन ने प्लॉट्स दिए हैं यहाँ पर 125 स्क्वायर यार्ड के, उनका भी आपको विज़िट करवाएंगे और सारी डिटेल्स और कंपैरिजन हम करेंगे कि यहाँ कितने नंबर ऑफ विलास की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी है प्राइवेट और कितनी यहाँ फैमिली शिफ्ट हो चुकी हैं। ये 11B के 152 स्क्वायर यार्ड के विलास हैं और ये मिडिल पोर्शन है। 11B को तीन पोर्शंस में बेसिकली डिवाइड किया गया है, एक टॉप है, फिर एक मिडिल है, फिर एक ग्राउंड लेवल पर आ जाता है। ये सामने आप देख रहे हैं, ये ऊपर हाइट पर विलास हैं, ये भी 11B के हैं। इसी तरीके से जिसमें पोर्शन में अभी मूव कर रहा हूँ, यहाँ पर ये सेंटर वाला एरिया है इसका और उसके बाद फिर इसका लूप रोड नीचे ग्राउंड लेवल पे आ जाता है। 11B में 152 स्क्वायर यार्ड का विला अराउंड हमें 165 से लेके 185 की ब्रैकेट में मिल जाता है और यहाँ 125 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट हमें 63-64 लाख से लेके ऑनवर्ड हमें 75 लाख तक में यहाँ प्लॉट मिल जाता है एज़ पर लोकेशन कैटेगरी। जो मिनिमम साइट आपको बताई है, जो मिनिमम रेंज बताई है, वो ऑब्वियसली वही साइड है। ये सामने आप जो देख रहे हैं, जो बिल्कुल इस लैंड के पहाड़ की जो हिल है इसके नीचे आएगा और इसी तरीके से दीगर जो कुछ सीट्स यहाँ पे ऐसी हैं जिनके अंदर 10-12 फुट का खड्डा है, डिप्रेशन है, तो वो प्लॉट की प्राइसेस जो हैं वो लोअर साइड पे हैं और हायर साइड पे प्राइसेस सेम वही विला फेसिंग प्लॉट्स जो आ जाते हैं या लूप रोड के प्लॉट आ जाते हैं, कैटेगरी प्लॉट आ जाते हैं, वो ऑब्वियसली हायर साइड की तरफ जाते हैं। फिर मैं आपको 11B में जैसे एंटर हुआ सेंटर वाले विलास का आपको विज़िट करवाया, उसके बाद मैं अभी इसके लूप रोड पे मौजूद हूँ। लूप रोड से ही जितने भी कनेक्टेड स्ट्रीट्स हैं वो सारी आपको विज़िट करवाएंगे और ओवरऑल हमने प्राइसेस को भी डिस्कस कर लिया है यहाँ पे। 11B की जो प्राइसेस हैं इनका कंपैरिजन कर लें आप 10B के साथ, तो वहाँ प्राइसेस ऑलमोस्ट 4-5 लाख नीचे हैं। वहाँ आपको 58-60 लाख में प्लॉट मिल जाता है। जो प्लॉट 11B के अंदर आपको 64-65 लाख वाला मिलता है वो वहीं पे 58-60 लाख 61 लाख में आपको मिल जाता है। इसी तरीके से प्रिसेंट जो 11-15 है, प्रिसेंट 15 जो मेन जिना पे है, वहाँ पे अगर हम देखें तो वहाँ पे प्लॉट की मिनिमम प्राइस 68 लाख है इस टाइम पे और ये तकरीबन कुछ 4 लाख का डिफरेंस रह गया 11B और प्रिसेंट 15 के अंदर। लेकिन जो ऑपरेशन 15A है और 15B है वहाँ पे हमें स्टिल प्लॉट जो है 52-55 लाख से लेके ऑनवर्ड 65 लाख तक में हमें वहाँ प्लॉट मिल जाता है। तो 11B ने काफ़ी अच्छा ग्रो किया है, यहाँ प्राइसेस काफ़ी अच्छी इंक्रीज़ हुई हैं। उनके इंक्रीज़ होने की रीज़न सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो यही होता है कि जिस प्रेशन के अंदर बिल्ड प्रॉपर्टी दी गई है उस प्रेशन ने जल्दी अलाइव हो जाना होता है। वहाँ ऑब्वियसली बहरिया टाउन जो बाकी ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए शॉपिंग गैलरी है या मॉस्क है या दीगर जो सहूलियात हैं वो जल्दी प्रोवाइड करनी होती हैं। यहाँ नंबर ऑफ फैमिलीज आप देख रहे हैं यहाँ पे शिफ्ट हो चुकी हैं इन विलास के अंदर और प्राइवेट विलास की कंस्ट्रक्शन भी बहुत स्पीड से हो रही है। यहाँ स्लम स्टूडेंट बिल्डर्स भी अपने एक दो विलास की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। सामने आप मॉस्क देख रहे हैं, उसका ग्रे स्ट्रक्चर कम्प्लीट हो चुका है, उसकी फिनिशिंग अभी स्टार्ट है। तो इसी तरीके से इसके बिल्कुल जैसे वो लेजीएस आप ऊपर जाएं तो प्रिसेंट 10A है, वहाँ पे शॉपिंग गैलरी एक्टिव कर दी गई है, मॉस्क वहाँ ऑपरेशनल है, पार्क वहाँ ऑपरेशनल है। तो ये सारी चीज़ें 11B से वॉकिंग डिस्टेंस पे हैं। फर्दर आपकी कोई भी क्यूरी है रिगार्डिंग बहरिया टाउन कराची या फिर आप अपने प्लॉट की सेलिंग बाइंग करना चाह रहे हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।